नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज खबर विनोद से। लद्दाख के कारगिल में फंसे 30 मजदूर परिजनों ने विधायक से लगाई गुहार। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनौर जिले के रहने वाले 30 मजदूर लद्दाख के कारगिल में पावर प्लांट में ठेकेदार के जरिए मजदूरी करने के लिए निकले थे। इसी दौरान चकमा देकर ठेकेदार रफू चक्कर हो गया, जिसे लेकर खाने पीने से मजदूर मोहताज हो गए। साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं पीड़ित परिवार मदद के लिए सदर विधायक सुचित चौधरी के पति ऐश्वर्या चौधरी के पास पहुँचे। विधायक के पति ने पीड़ित परिवार को सकुशल फंसे मजदूर को निकालने का भरोसा दिलाया। विधायक जी, आज दर्जनों गांव के लोग, महिलाएं पुरुष आपके यहां पर निवास पर हैं, क्या समस्या है इन लोगों की? देखिए, मुझे जैसे पता लगा है कि इनके बच्चों को जम्मू कह के ले जाया गया था और ये 30 लोग हैं। और अब पता लगा है कि ये कारगिल से ऊपर 150 किलोमीटर ऊपर जगह है, पदुमन सिटी करके, वहाँ पर उससे भी 20 किलोमीटर आगे वहाँ पर कोई पावर प्लांट चल रहा है। उसके ठेकेदार इन्हें गुमराह करके वहाँ पर इन्हें छोड़ के भाग आया है और वहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है और वहाँ पर 60 साल से अधिक के भी उम्र के लोग इनके साथ हैं। इसके चीज में ही उन्हें वहाँ से लाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे भी वहाँ से वो लोग आ जाएं, क्योंकि ठेकेदार ने गुमराह करा, झूठ बोल के जम्मू कह के उसे कारगिल से 150 किलोमीटर अधिक की ऊंचाई पर ले जाके वहाँ छोड़ के वो भाग गया। अच्छा, आप लोगों से गुहार लगाई इन्होंने, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दो स्तर पर काम कर रहे हैं हम। हमने पहले प्रशासन स्तर पर जिलाधिकारी महोदय बिजनौर से बात की है कि वहाँ पर वो वहाँ के प्रशासन के संपर्क में आके वासियों की हिफाजत के लिए उन्हें निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, हमने टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो है, जो एडवेंचर के लिए लोग जाते हैं ट्रैवल कंपनी के माध्यम से, उनसे हमने वहीं के लेह लद्दाख की कंपनियों से बात की है कि वहाँ पर वो बस भेजें, रेस्क्यू करें, उन्हें कैसे भी करके रेस्क्यू करके लाने का एक प्रबंध। दूसरा, चेन भी चलाई जा रही है।